सूरदास इसके कवि हैं और है उधो तुमो अति बड़भागी। तो इस पद में प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति कवि सूरदास द्वारा रचित है और सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है या अवतरित है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण के मित्र उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव क्या है, कृष्ण के मित्र है, ठीक। और जब वो उनको योग का संदेश देने आते हैं तब गोपियाँ उन पर व्यंग कस रही हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं कि जब उद्धव संदेश देने योग का गोपियों को आते हैं तो गोपियाँ उनको कह रही हैं, उनको उनका व्यंग कर रही हैं उन पर कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मीन्स भाग्यवान, अति मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा, कि तुम बड़े भाग्यवान हो। क्यों कहा इनको भाग्यवान, कि तुम कृष्ण के पास रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, अपरस मीन्स नीरस अलिप्त, कि तुम उनके पास रहकर भी उनके स्नेह से, तगा मीन्स धागा, कि स्नेह रूपी धागे से नहीं बन सके, कि तुमने उनका प्रेम फिर भी नहीं पाया, कि जो हमें योग का संदेश देने आ गए हो। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन कमल, कमल का फूल, ठीक है, पुर इन है कमल, पात मीन्स पत्ता, रहत मीन्स जिस तरह रहता है जल के भीतर, कि जिस प्रकार कमल जल के भीतर रहता है फिर भी उसके कोई भी पत्ते पर पानी का दाग नहीं लग पाता है। नहीं मन अनुरागी, कि इसी तरह तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, दूर हो, ठीक है। जो जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार जल में तेल की गागर अगर हम रख दें तो क्या है, उसके ऊपर पानी नहीं लगता, तेल के कारण पानी स्लिप हो जाता है, गिर जाता है उसमें से और उस पर पानी नहीं लगता, ठीक उसी तरह तुम हो, तुम्हें उनके प्रेम की एक बूंद भी नहीं लगी है, कि तुम्हें कुछ नहीं पता कृष्ण का प्रेम कैसा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने प्रेम की नदी में पैर बोरने के बाद भी उससे मुग्ध हो, अलग हो, तुम उसको उसकी मुग्धता प्राप्त नहीं कर पाई हो, ठीक। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यो पागी। तो सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अबला कमजोर, भोरी मीन्स भोली भाली है, कि गोपियां भोली भाली हैं, पर उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम से इस तरह लिप्त हैं जैसे गुड़ के साथ चीटियां चिपकी होती हैं, कि वो कृष्ण के प्रेम को इस तरह उन्होंने पा रखा है, ठीक है। तो इसमें विशेष ये है बेटा कि गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और गोपियों का कृष्ण के प्रति इसमें अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है इस पद में, ठीक है। सेकंड है, तो इस पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति है कि वो स्वीकार करती हैं इस चीज को, मन की मन ही मांझ रही, कि मन की जो इच्छा थी वह मन में ही रह गई है। क्या इच्छा थी गोपियों की मन में, कृष्ण को मिलने की, ठीक है। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही, कि हे उधव वह एक बार जाकर उन्होंने वापस आने की जो बात कही थी वह पूरी नहीं।
अवधि आधार आस आवन की तनवन विथा सही। अवधि समय, धातु छोटी की मात्रा है समय और धातु बड़ी ई की मात्रा होती तो वो क्या हो जाता, भाषा हो जाती। वो अवधि, अवधि समय कि समय। आधार मीन्स उसके आधार पर, आस मीन्स आशा कि हमें उस समय की आशा थी। आवन की मीन्स आगमन, आगमन कि श्री कृष्ण का आगमन होगा। तनमन विथा सही कि यह हम सोचकर उनकी आस रखकर व्यथा में डूबी हुई थी कि दुख हमें यह था कि कब वो आए, व्यथा थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही कि और अब ये संदेशन मीन्स संदेश मैसेज सुन सुन कि बार बार सुनकर कि श्री कृष्ण आएंगे आएंगे ये बार बार बात सुनकर बिरहन बिरह दही कि वियोग में और भी ज्यादा विरह की आग लगा दी है। ठीक है, तो जो उद्धव है जो योग का संदेश देने आए हैं तो जो विरह, विरह होता है वियोग होना, वियोग होना संयोग होता है आपस में मिलना, वियोग होना बिछड़ना कि जो हमारा श्री कृष्ण के साथ बिछोड़ा पड़ा हुआ है तो उसकी विरहग्नि में घी का काम किसने कर दिया है, उद्धव ने कर दिया है। किसके साथ कर दिया है, योग का संदेश देकर। ठीक है, चाहत हुती गुहार जितहते उतते धार बही कि श्री कृष्ण का तो हमारे लिए रक्षा के साधन थे कि जब भी किसी पर कोई मुसीबत आती थी, चाहत हुती मीन्स जब भी हम चाहते थे, गुहार जितहते कि जहां भी होते थे, गुहार लगाना मीन्स आवाज लगा लेना, बुला लेना श्री कृष्ण को कि जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते थे तो श्री कृष्ण को बुला लेते थे। उतते धार बही कि उनका क्या काम था, अपने भक्तों की रक्षा करना, तो वहां पर वो प्रकट हो जाते थे। सूरदास अब धीर दहे क्यों मर ज्यादा ना लही कि सूरदास कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं कि अब हमसे धीर मीन्स धैर्य धीरज नहीं रखा जा रहा है कि उन्होंने तो मर्यादा ना लही कि मर्यादा की प्रतिष्ठा की हानि कर दी है कि उन्होंने मर्यादा के बारे में भी नहीं समझा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये दो पद हो गए हैं। क्लियर।